नशा मुक्त अभियान जारी, रीवा में 4 लाख से ज्यादा की महुआ लाहांजा। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं खबरदार न्यूज। रीवा जिले में नशा मुक्त अभियान अंतर्गत हर दिन ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देश पर मऊगंज में आबकारी विभाग ने आधा दर्जन जगहों पर छापा मारा। अलग अलग जगहों पर दबीज के दौरान 4 लाख रुपए से ज्यादा की महुआ लाहन शराब जब्त की गई। यह कार्रवाई आबकारी विभाग ने पुलिस विभाग के साथ मिलकर की। सहायक आबकारी आयुक्त विक्रमदीप सागर ने बताया कि नईगढ़ी जसवाल बस्ती और बहेड़ा डावर में अवैध मदिरा जब्त की है। दबीज के दौरान आरोपी प्रीति जसवाल के मकान से 80 किलोग्राम महुआ लाहन, सुती जसवाल के मकान से 1000 किलोग्राम महुआ लाहन, बुद्धसेन जसवाल के मकान से 100 किलोग्राम महुआ लाहन, सुधामा जसवाल के मकान से 220 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद हुआ है। आबकारी विभाग ने बताया कि 13 प्रकरणों में 10 लीटर हाथ भट्टी महुआ और 8100 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत 4,06,000 है। छापामार कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी लोकेश सिंह ठाकुर, आबकारी उप निरीक्षक मनोज कुमार बेलबंसी, गोकुल प्रसाद मेघवाल, अभिषेक त्रिपाठी, आशीष शुक्ला, मुख्य आरक्षक वीरेंद्र बहादुर सिंह, आरक्षक विद्या सिंह, महेंद्र सिंह, वेद प्रकाश तिवारी, नगर सैनिक मनोज दुबे, राजेंद्र मिश्रा एवं पुलिस लाइन का स्टाफ शामिल रहे। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।